आइए अब मैं आपको बताता हूं कि चंद्रमा को अर्घ देने की परंपरा, करवा चौथ की रात्रि में जब चंद्रमा उदय होता है उसी व्रत रखने वाली शादीशुदा महिलाएं पूजा की सजी हुई थाली को सात छत पर जाती हैं। जाना चाहिए, ध्यान से सुनेंगे। अब मैं बस वो मंत्र बताने वाला हूं, आप लोग इस मंत्र को बड़े प्रेम से श्रवण भी करेंगे, पहले इस विधि को सुन लें। थाली को लेकर, पूजा की थाली को जाती हैं छत पे, इसी दौरान वे चंद्रमा की पूजा करती हैं। वे चंद्रदेव को अर्घ देती हैं। करवा चौथ पर चंद्रमा की पूजा का बड़ा महत्व है। इस दिन चंद्रमा के दर्शन और पूजन के बाद महिलाएं व्रत तोड़कर अन्न जल ग्रहण करती हैं। इस पूजन के दौरान महिलाएं छलनी से चंद्रमा के दर्शन करती हैं और फिर अपने पति को देखती हैं। आ हाँ जी, वो दूसरा चंद्रमा है। इसके बाद पति के हाथों जल या मिठाई लेकर व्रत खोलती हैं। सभी पतियों से मेरा निवेदन है, आज जब आपकी देवी जी व्रत खोल रही हों तो आप मुस्कुरा कर व्रत खुलवाइएगा। पूरे दिन बिना जल के रही हैं, बिना कुछ अन्न के रही हैं, तो प्रेम के साथ ही उनका आदर करें। मिठाई हो, खीर हो, कोई जो उनको फेवरेट लगे, अच्छा लगे, अपने हाथ से खिलाइएगा प्लीज़। हैं, हाँ रसगुल्ला हो, रसगुल्ला खिला देना, कोई नहीं, जो मिल जाए सो, जो मिल जाए। हमारी मथुरा में तो पेड़ा मिलते हैं, बहुत पेड़ा प्रसिद्ध है। आगरा को पेठो प्रसिद्ध है और हाथस की नमकीन है ना, तो जिसको जो पसंद हो वो खिला देना, लेकिन प्यार से, एहसान मत करना। ये पति पत्नी का बहुत प्यारा रिश्ता है, एक दूसरे का ध्यान रखते हुए अपने हाथों से उनका व्रत खुलवाएं अवश्य। इसके बाद इस दिन चंद्रमा के साथ साथ भगवान भोलेनाथ और उनके परिवार का भी पूजन हमको करना चाहिए और प्रेम से उनका आदर करना चाहिए। अभी मैं जो मंत्र बोल रहा हूँ, चंद्रमा को अर्घ देते समय इस मंत्र का उच्चारण आप अवश्य करें। बड़े धीरे धीरे बोलूंगा जिससे आपको भी सब प्रेम से समझ में आ जाए। गगनार्ण वमाणिक्य चंद्रदाक्षायणी पते ग्रहणार्घमयां दत्तम गणेश प्रतिरूपकः। गगनार्ण वमाणिक्य चंद्रदाक्षायणी पते ग्रहणार्घमया दत्तम गणेश प्रतिरूपकः। अगर आपसे ना भी बोले तो आप इस जगह, ये जो हमारी कथा चल रही है, इसी श्लोक को आप सुनाकर चंद्र भगवान को ध्यान रखते हुए आप इसको बोलें और चंद्र भगवान को, चंद्रदेव को अर्घ दे दें। और आप आज के दिन पवित्र सुंदर करवा चौथ का व्रत जिन जिन माता बहनों ने रखा है, मैं प्रियाकांत सरकार से प्रार्थना करता हूँ, आपने अपने पति के लिए ये सुंदर व्रत रखा है, भगवान प्रियाकांत जी आपकी मनोकामना पूर्ण करें, आपके पति की आयु दीर्घ करें, आपको भी सुंदर सेहतमंद जीवन प्रदान करें, आपके बाल गोपाल भी चकाचक यूं ही बने रहें। आप एक कार्य और कर सकती हैं, जो भी आपको पति के निमित्त दक्षिणा इत्यादि कहीं देनी हो, तो जो हमारे ब्रज में गौशाला के लिए हम लोग गौचारे के लिए भूमि ले रहे हैं, उसमें भी आप अपने आज अपने पति को थोड़ा सा गिफ्ट दे दीजिए, जिससे आपके पति के नाम से आज के दिन दिया हुआ। अच्छा, पति के लिए दान इसलिए भी दे देना चाहिए, हम तो इसलिए बता रहे हैं कि उनके लिए किए जाने वाले सत्कर्म उनको सद्विचार प्रदान करेंगे। जो पीते हैं, खाते हैं और न जाने क्या क्या, कैसे कैसे हैं, उनके नाम से भी अगर आप व्रत आज के दिन व्रत करी हैं और फिर कोई पुण्य करें, तो इससे आपके पति देव को भी कुछ न कुछ गौ माता कृपा करेंगे, प्रियकांत जी कृपा करेंगे, ब्रज धाम से आपको आशीर्वाद प्राप्त हो। यही प्रार्थना करते हुए भारत की सभी माता बहनों को, भारतीय परम्परा को, सनातनीय परम्परा को मानने वाली सभी माता बहनों को करवा चौथ की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत बधाई। राधे राधे राधे, राधे।